बाल मनोविज्ञान में आज हम बताते हैं शिक्षण सूत्र के बारे में। आइए देखते हैं, शिक्षण सूत्र। तो देखते हैं मूर्त से अमूर्त की ओर। तो आइए बाल मनोविज्ञान में शिक्षण सूत्र को देखते हैं हम मूर्त से अमूर्त की ओर। ये हमारा शिक्षण सूत्र है। मूर्त मतलब देख सके, छू सके। मूर्त मतलब इसका अर्थ होता है देख सके और छू सके। अमूर्त को देख लीजिए। अमूर्त में विषय वस्तु से उदाहरण, मतलब विषय वस्तु को उदाहरण देख सके और उसको छू न सके, उसको छू नहीं सकते। अमूर्त में विषय वस्तु का उदाहरण देख सकते हैं, देख करके बता सकते, लेकिन छू नहीं सकते हैं। इसको छू नहीं सकते अमूर्त में। मूर्त में छू सकते हैं, अमूर्त में नहीं छू सकते। यही मूर्त से अमूर्त की ओर शिक्षण सूत्र है। तो हमारा शिक्षण सूत्र है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। अब देखते हैं विश्लेषण और संश्लेषण क्या होता है। तो आपने विश्लेषण से संश्लेषण की ओर देखा है, जो कि विश्लेषण से विषय वस्तु का व्यापक जानकारी देता है, और संश्लेषण में अनेक बिंदु को समायोजन करके संश्लेषण करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। देखिए विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, तो देखिए विश्लेषण, है विषय वस्तु का व्यापक जानकारी देना। विश्लेषण का मतलब होता है विषय वस्तु का व्यापक जानकारी देना। और संश्लेषण में आप देख लीजिए, संश्लेषण में अनेक बिंदु को समायोजित करते हुए समायोजित करना। ठीक है, समायोजित करना ही विश्लेषण है। मानो अनेक बिंदुओं को एक तरफ कर देना, मतलब इकट्ठा कर लेना और उसको समायोजित कर लेना, सबको इकट्ठा करके समायोजित कर लेना, और वही संश्लेषण कहलाता है। ठीक, अनेक बिंदु को समायोजित करना ही क्या कहलाता है, संश्लेषण कहलाता है। तो आइए देखते हैं किंडरगार्टन विधि। इसके जन्मदाता कौन है, फ्रावेल है। तो आइए देखते हैं, पहले किंडरगार्टन विधि बालोद्यान शिक्षण विधि के जन्मदाता फ्रावेल है। ठीक है, बालोद्यान शिक्षण विधि के जन्मदाता कौन है, फ्रावेल है। तो आइए किंडरगार्टन विधि के जन्मदाता कौन है, फ्रावेल है। फ्रावेल ने बालोद्यान शिक्षण विधि के जन्मदाता जी हैं। इन्होंने बताया है कि बच्चों को क्या कर सकते हैं, इस विधि में शिक्षण विधियों को डांट कर नहीं पढ़ाया जा सकता है। गीत, उपहार, क्रियाएं या खेल विधि, खेल समझ लीजिए, खेल जान लीजिए, खेल क्रियाएं आदि के द्वारा हम बच्चों को शिक्षा दे सकते हैं। ठीक है, किसकी विधि है, किंडरगार्टन फ्रावेल की विधि है। तो आइए मॉन्टेसरी की विधि में हम ध्यान देते हैं। ये कहाँ के निवासी हैं, इटली के, कहाँ के, ये इटली के निवासी हैं मारिया मॉन्टेसरी। ये मॉन्टेसरी विधि देख लीजिए, इस ये जो कि इटली के निवासी मॉन्टेसरी जी इटली के निवासी थे। 3 वर्ष से 7 वर्ष के बीच बच्चों की शिक्षा दी जाती है। ये मॉन्टेसरी विधि में 3 वर्ष से 7 वर्ष के बच्चों के बीच में शिक्षा दी जाती है। इस विधि में स्वयं करके सिखाया जाता है, ज्ञानेन्द्रियों और मांसपेशियों का प्रशिक्षण किया जाता है इस विधि में। तो आइए देखते हैं प्रोजेक्ट विधि या परियोजना विधि। इस विधि में, इसके पहले जान लीजिए लेखक कौन थे, किल प्रैक्टिस कौन, इस विधि के संस्थापक कौन है, किल प्रैक्टिस है, किल प्रैक्टिस जी, किल पैट्रिक। ठीक है, किल पैट्रिक कहते हैं। तो देखिए प्रोजेक्ट विधि या परियोजना विधि इसको कहते हैं। इसके जो है संस्थापक किल प्रैक्टिस है। ठीक है, योजना बनाना, क्रियान्वयन करना, मूल्यांकन या व्यक्तिगत व्यक्तित्व क्या है, व्यक्तित्वता क्या है, इसकी व्यक्तित्व या समूह में किया जाता है। इसका प्रयोग कब किया जाता है, मूल्यांकन में। ठीक है, योजना बनाने में, क्रियान्वयन करने में, व्यक्तित्वता समूह इत्यादि में किया जाता है। किसका, किल प्रैक्टिस ने बताया था, जो
प्रोजेक्ट विधि का या परियोजना विधि का प्रयोग किया जाता है। देखिए अन्वेषण विधि या खोज विधि, इसके संस्थापक कौन है? आर्मस्ट्रांग है। स्वयं करके क्या है? स्वयं करके सीखने पर आधारित है ये विधि। स्वयं करके सीखने पर आधारित, ये देख लीजिए विधियाँ क्यों पढ़ा रहे हैं आपको, विधियाँ कंपटीशन में पूछे जा रहे हैं, इसी कारण हम आपको बता रहे हैं कि विधियाँ को कम से कम इस विधियों में कोई एक विधि ज़रूर आपको पूछे जाएंगे, तो विधियों को ज़रूर एक बार ध्यान करके ही तब परीक्षा हाल में बैठिएगा, ठीक है। देखिए आगे देखते हैं, तो आइए देखते हैं आगमन विधि। सुकराती विधि से कहते हैं, सुकरात तो आइए देखते हैं आगमन विधि। उदाहरण देकर के प्रयोग किया जाता है, यह शिक्षण प्रक्रिया में उत्तम विधि है। क्या है? शिक्षण प्रक्रिया में उत्तम विधि है। दूसरा रूप विशिष्ट से सामान्य की ओर, यह शिक्षण सूत्र में विशिष्ट से सामान्य की ओर दिया जाता है। मूर्त से अमूर्त की ओर दिया जाता है, आदि रूपों में दिया जाता है, प्रयोग किया जाता है। प्राथमिक शिक्षक मतलब प्राथमिक कक्षा में ये आगमन विधि मतलब उदाहरण देकर के प्रयोग किया जाता है। किसका? ये आगमन विधि का प्राथमिक कक्षा में, मान लीजिए छोटे छोटे बच्चे हों जैसे निम्न कक्षा में इसका प्रयोग किया जाता है। आइए आगे देखते हैं, तो आइए देखते हैं निगमन विधि में। निगमन विधि जो है कि यह उच्च शिक्षा में नियम पहले बता दिया जाता है, यह उसे उच्च शिक्षा में दिया जाता है, बाद में उदाहरण देकर बताया जाता है। सामान्य से विशिष्ट की ओर दिया, मानो सामान्य से विशिष्ट की ओर नियम है, ठीक है। ये बाल केंद्रित विधि नहीं है। क्या है? ये बाल केंद्रित विधि नहीं है और यह रटने पर प्रवृत्ति पर जोर देता है। जो है कि आगमन विधि, आगमन विधि तो बाल केंद्रित विधि है, लेकिन निगमन विधि क्या है? बाल केंद्रित विधि नहीं है, ये रटने पर प्रवृत्त करता है। और जो है निगमन विधि रटने पर प्रवृत्त करता है, आगमन विधि समझने पर प्रवृत्त करता है, ठीक है। इसके विपरीत में ही रहता है, ठीक है। आगे देखिए, ये प्रश्नोत्तर विधि है, इसको सुकराती विधि कहते हैं, ठीक है। इस विधि में प्रश्न पूछ करके पाठ का ज्ञान कराया जाता है। शिक्षक और शिक्षार्थी मतलब शिक्षक और शिक्षार्थी, गुरु और शिष्य समझ लीजिए, दोनों प्रश्न पूछकर अध्ययन उस पाठ का करते हैं, ठीक है। अभ्यासगत विधि पर आधारित होना चाहिए, मानो इसके कहने का अर्थ है कि अभ्यासगत यानी पाठ को पढ़ाने के बाद उस पर अभ्यासगत उस पर अभ्यास कराना चाहिए, ठीक है। ऐसे आधारित प्रश्न होना चाहिए, उसके बाद अपने विचारों को व्यक्त करने का अवसर दिया जाना चाहिए। इसमें अपने विचारों को व्यक्त करने का अवसर दिया जाना चाहिए, प्रश्नोत्तर विधि में ऐसा आधारित होना चाहिए। तो एक क्रियात्मक विधि बताते हैं आपको, इसमें करके सीखने पर आधारित होता है। करके सीखने पर आधारित होता है, अस्थायी एवं सार्थक होता है, अस्थायी ज्ञान होता है और सार्थक ज्ञान होता है। विद्यार्थी क्रियाशीलता रहता है, इसमें विद्यार्थी क्रिया करने पर से उसमें विकसित मतलब क्रियाशीलता आ जाती है। ये सृजनात्मकता एवं रुचिपूर्ण कार्य का अवसर दिया जाना चाहिए। उसमें इस विधि में विद्यार्थी को रुचिपूर्ण एवं उसके कार्य करने का पूरा अवसर देना चाहिए। शिक्षक के मार्गदर्शक के रूप में होना चाहिए। शिक्षक कैसा होना चाहिए? शिक्षक को मार्गदर्शक के रूप में होना चाहिए, शिक्षक को मार्गदर्शक के रूप में होना चाहिए और उसे कार्य करने का पूरा अवसर दिया जाना चाहिए।